कार्टून, वो कार्टून है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, सब खैरियत से ठीक ठाक। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ स्पेशल ही है। वो उसका मकसद ये है कि आज जो है ना वर्धा का हमने टिंड करवाने का इरादा किया हुआ है, तो इसको भी हम टिंड करवाने जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी है ऐसे बालों का मसला बना हुआ था, तो मैंने कहा एक दफा फिर से जो है ना इसका उस तरह या ब्लेड या मशीन फिरवा दें। तो अभी चल रहे हैं क्योंकि इसने जो डालना है वहां पे चल के धमाल। तो मैंने कहा आज जो है ना फार्म पे जाने से पहले पहले जो है ना पहले ये काम निबेड़ लें, उसके बाद फिर चलते हैं फार्म पे। मगर ये आज का जो हमारा मिशन है वो यही है कि आज दो बंदों का हमने टिंड करवाना है। एक को शिकारी को तो मैं साथ लेके जा रहा हूँ, अभी इसको फ्री हो के फिर दूसरे शिकारी को लेके जाना है। अभी चल के देखते हैं ये वहाँ पे क्या हाल चाल करते हैं। तो जी ये भी हमारा प्रोग्राम नहीं बना शॉप के ऊपर, तो मैंने भाई को कहा है कि इधर चलते हैं घर, घर चल के दो नग गए तो उनको वहीं पे ही नबेड़ लेते हैं। क्योंकि ये बच्चे जो है ना दुकान के ऊपर रो रहे हैं, तो रोने की वजह से हमने कहा यहाँ ज़्यादा धमाल ना डालें तो घर ही ले चलें तो बेहतर है। ये हमारे जैद भाई हैं जिनसे हम शेव शूव करवाते रहते हैं, तो ये आज इनको हमने कहा टाइम दें हमें, तो जिन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है हमारे लिए। गाइस ये देख लें, पहले तो वर्धा आई हुई थी तो मगर उसकी जगह पे अभी रिप्लेस हुआ है अजलान। तो हमने कहा पहला नंबर लगाए अजलान का। अभी देख लें शर्ट उतार रहे हैं, इसका मिशन है। अभी देखते हैं इसकी थाड़े में आपको सुनवाता हूँ। ये अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई, तो मशीन के स्टार्ट होने के बाद फिर देखिएगा क्या माहौल बनता है। चल ऊपर कर, हाँ हाँ पो मैं तू सही ना पो। ये देख चाचू ने कहा उसे कपड़ा पहन लिया। कार्टून, वो कार्टून है। ये देख एक बात छोड़ उसे छोड़। मैं तू तो हर वेले कटिंग के लिए बाहर आ रहा है। हाँ बोल। ये देख कार्टून ये देख कार्टून पता चलेगा। गंजिया बाबा देख रहा है, बड़े पापा देख रहा है का हुआ इधर देख। ये जी गंज ताने का मोटी है मशीन तो ठीक है। ए गंजिया का है नोजी आ गई है कुछ थी वो वाली मशीन क्या नहीं है। ओए गंजिया बोझ हो गया ये पकड़ लो ये ये हो गया अजलान का भी हो गया, हमारा आज का मिशन कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं, हम अपनी भी सेटिंग करवाते हैं यहाँ से। तो ये देख लें कि बच्चों का गंज करवाना बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा तंग किया इन्होंने। ये जैद भाई की मेहरबानी है, इन्होंने आराम आराम से वेट कर करके इनका जो है ना गंज किया ताकि बच्चे रोएं भी ना,
रोए तो बच्चा वैसे रोता तो है जाहिर सी बात है, पर प्यार से ही काम करना पड़ता है। ये देख लें हमें कपड़ा पहना हुआ है हमने खुद भी, तो अभी हमें ये दो हमारे मिशन कंप्लीट हो गए हैं। ये पालश पुलश तो हो गई है। अभी हम देख लें कि मसाज के बाद अगर सर्दियाँ हो तो क्या हाल होगा, इतना ठंडे पानी में सर्द रहने के लिए, मगर गर्मियों में तो चलो मज़ा आ जाता है। मैं थोड़ा सा चिट्टा गोरा लग रहा हूँ आपको, क्योंकि गंदम का सीज़न था, जाहिर सी बात है बहुत मीठी धूल थी, तो हमने कहा वो भी निकाल लें आज जैसे फ्री हैं, तो ये भी हम फ्री हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।